please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब के लुधियाना में कुछ लोग एक आदमी को पीटते हुए ले जा रहे थे कि तभी हवा में फायरिंग करता दूसरा आदमी उनके पीछे दौड़ने लगा और दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ दिया। ये पूरी घटना पास की एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग अमनदीप नाम के एक आदमी का कॉलर पकड़कर उसे पीटते हुए ले जा रहे थे कि तभी वहां एक कार पहुंची और उससे एक आदमी उतरकर हवा में फायरिंग करता हुआ उन लोगों के पीछे दौड़ा। इससे पहले अमनदीप अपने एक दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था, तभी पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे पीटने लगा। कुछ ही देर में उसके दो और साथी आ गए, जिनमें एक के हाथ में तलवार भी थी और आरोप है कि इन लोगों ने अमनदीप की हत्या के मकसद से उस पर धारदार हथियार से हमला किया, लेकिन मौके पर पहुंचे उसके पिता ने पिस्तौल दिखाकर बदमाशों को वहां से भगा दिया। इसके बाद खून से लथपथ अमनदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान अमनदीप के पिता ने इस हमले के पीछे एक पूर्व अकाली पार्षद के रिश्तेदार का हाथ बताया और कहा कि अगर वो हवाई फायरिंग नहीं करते तो बदमाश उनके बेटे की हत्या कर देते। मैं अपना फेर फाई कर फेर किता बचा कर ली। इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने घटना का सीसीटीवी वीडियो कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। चंद्रमोहन कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं पटना से। आपको बता दें बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से राज्य में अब तक 98 लोगों की मौत हो गई, 74 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अररिया में प्रशासन का शर्मनाक चेहरा भी देखा गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मिले 6 शवों को कर्मचारियों ने फिर से नदी में फेंक दिया। इसके अलावा सीतामढ़ी की सभी नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर पानी आने की वजह से आवाजाही बंद हो गई। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि क्या स्थिति वहां पर होगी, क्योंकि सीतामढ़ी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं सड़क टूटने से लोग उसमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला जो कि अचानक से जब ये सड़क टूटती है और वो नीचे पानी में समा जाती है, नाव पलटी कई जगह पर और सबसे बुरा हाल अररिया में है, जहाँ पर राहत और बचाव काम जोरों पर चल रहा है।